G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने को लेकर देश में तगड़ी बहस छिड़ गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत और इंडिया को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हमें राष्ट्रपति से निमंत्रण पत्र मिला है और अब तक हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से निमंत्रण पत्र मिलता था, लेकिन अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम से निमंत्रण पत्र आया है। भाजपा को इंडिया शब्द से तकलीफ है। संविधान में शुरुआत ही इंडिया से होती है। इस देश को भारत कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है। देखिए, हमने अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ, संविधान में ही लिखा है, वहां से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है, और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू दी के भरत खंडे इस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है, और आपको नाम से परे यदि कोई आज इंडिया जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया। यदि कल के रोज यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे?